नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें कि दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अहम बैठक जारी है। बैठक की अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी इस बैठक में शामिल हैं। तो बड़ी खबर, जहां पर विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर चर्चा की जाएगी इस बैठक में। तो दिल्ली में अहम बैठक हो रही है, कांग्रेस छत्तीसगढ़ कांग्रेस की अहम बैठक, जहां पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक में सीएम भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी इस बैठक में शामिल हैं। तो दिल्ली में अहम बैठक जारी है, बैठक की शुरुआत हो चुकी है। बैठक की अध्यक्षता कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं। और इस बैठक में आपको बता दें कि विधानसभा चुनाव, जो कि अब काफी नजदीक आ चुके हैं, उसको लेकर चिंतन मंथन किया जा रहा है, रणनीति तैयार की जा रही है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर छत्तीसगढ़ कांग्रेस की ये अहम बैठक हो रही है। तो दिल्ली में कांग्रेस की ये अहम बैठक जारी है, जहां पर छत्तीसगढ़ में, क्योंकि विधानसभा चुनाव है और ऐसे में रणनीति तैयार की जा रही है, और इसी को लेकर ये बैठक जारी है। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है, जिसमें सीएम भूपेश बघेल, कुमारी शैलजा मौजूद हैं। इसके साथ ही साथ पीसीसी चीफ मोहन मरकाम भी इस बैठक में मौजूद हैं। वहीं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप नामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रदीप, बैठक की शुरुआत हो चुकी है, क्या कुछ अब इस बैठक में, क्या ये जो विधानसभा चुनाव आने हैं उसको लेकर अब रणनीति भी तैयार की जा रही है, और क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस बैठक को लेकर? ये जो बैठक हो रही है, दिल्ली में बैठक हो रही है, इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और तमाम मंत्रीगण मौजूद हैं। ताम्रध्वज साहू, गृह मंत्री और भी तमाम मंत्री और जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, वो सभी मौजूद हैं। और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। देखिए, छत्तीसगढ़ में चुनाव को ज्यादा दिन बचे नहीं है, तो ऐसे में सभी पार्टियां सक्रिय हो गई हैं और कांग्रेस की ये बड़ी बैठक है। बैठक 27 मई को होनी थी, तो कुछ कारण के चलते निरस्त कर दी गई थी और आगे अहम बैठक अभी दिल्ली में चल रही है। जी बिल्कुल, क्योंकि प्रदीप विधानसभा चुनाव भी काफी नजदीक आ गए हैं, ऐसे में बैठकों का दौर भी जारी है। अगर मैं बात करूं, रणनीति भी तैयार करने की बात सामने आ रही है इस बैठक में। जी बिल्कुल, देखिए कि बीजेपी के द्वारा तमाम तरह के अभियान चला रहे हैं, उसको कैसे रोक पाए कांग्रेस। देखिए, वहाँ छत्तीसगढ़ का लगातार बीजेपी के बड़े नेता दौरे पे दौरे कर रहे हैं। अमित शाह की बात करें तो अमित शाह भी लगातार दौरा कर रहे हैं, जेपी नड्डा भी लगातार दौरा कर रहे हैं और 1 जुलाई को राजनाथ सिंह का भी दौरा है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का 30 जून को दौरा। अब तो देखिए, लगातार जो बीजेपी का पूरा फोकस है वो छत्तीसगढ़ में, तो देखिए कहीं ना कहीं कांग्रेस बीजेपी से निपटने के लिए, ये चुनावी रणनीति तैयार करने के लिए आज राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी की अध्यक्षता में ये बैठक हो रही है। देखिए, कहीं ना कहीं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए बैठक है, कहीं ना कहीं इस बैठक के कई मायने लगाए जा रहे हैं। जी बिल्कुल प्रदीप, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि कांग्रेस को प्रदेश में काफी ज्यादा मजबूत करने के लिए रणनीति तैयार की जा रही है, इसके अलावा मैं ये भी समझना चाहूंगी कि बीजेपी का, एक तरफ से आपने जिक्र किया कि बीजेपी के कई बड़े चेहरे पहुंच रहे हैं प्रदेश में और लोगों के बीच जा रहे हैं, क्या कांग्रेस की तरफ से ऐसा कोई अभी शेड्यूल जारी हुआ है कि कोई बड़ा चेहरा पहुंचेगा और जनता के बीच जाएगा? जी बिल्कुल, देखिए अभी बस्तर में कुछ दिनों पहले प्रियंका गांधी आई थी और इसके पहले भी देखिए लगातार अभी राहुल गांधी भी आए थे और अभी चुनावी साल है, तो देखिए लगातार बड़े नेताओं का आना जाना होगा। आम आदमी पार्टी की भी छत्तीसगढ़ में एंट्री हो चुकी है, तो देखिए लगातार जो जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे सभी पार्टियां सक्रिय नजर आ रही है। तो देखिए, अभी जो 2023 में विधानसभा चुनाव है, उसकी भी तैयारी में कांग्रेस अभी से जुड़ गई है। 2024 की बात करें तो उसमें भी कांग्रेस और बीजेपी जोरों से अपनी पूरी
स्टॉल लगाने के लिए तैयार है। तो देखिए लगातार बैठकों का दौर जारी है। कल राजधानी रायपुर में बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें प्रदेश के सभी प्रमुख जो वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं और वरिष्ठ नेता हैं वो शामिल हुए थे। और आज दिल्ली में ये अहम बैठक शुरू हो रही है। राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक ले रहे हैं। इसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, प्रदेश प्रभारी कुमारी चलजा, पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम और गृह मंत्री तामध्वज साहू समेत तमाम लोग इसमें मौजूद हैं। और विधानसभा चुनाव की कैसे तैयारियां की जाए, किस तरीके से बीजेपी से निपटा जाए, उसकी चर्चा चल रही है। ठीक है प्रदीप, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो दिल्ली में छत्तीसगढ़ कांग्रेस की जिस तरह से बैठक हो रही है, बैठक में रणनीति तैयार की जा रही है क्योंकि विधानसभा चुनाव के भी नजदीक आ चुके हैं। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि स्कूल शिक्षा के लिए वर्ल्ड बैंक ने लोन दिया है। बड़ी जानकारी, जहां पर 2460 करोड़ रुपए के लोन की मंजूरी मिली है। छत्तीसगढ़ सरकार ने वर्ल्ड बैंक से मांग की थी और उसी मांग को स्वीकार करते हुए लोन की मंजूरी मिली है। शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए ये राशि दी जा रही है, जिसके तहत 40 लाख छात्र परियोजना से लाभान्वित होंगे। 600 मॉडल स्कूलों को विकसित किया जाएगा। इस लोन के वजह से इसमें मदद मिलेगी। तो बड़ी जानकारी, जहां पर छत्तीसगढ़ ने वर्ल्ड बैंक से ये मांग की थी, जिसके बाद शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए राशि की मंजूरी दी गई है, जिसके तहत 40 लाख के आसपास छात्रों को इसकी मदद मिलेगी, इसके वजह से शिक्षा ले पाएंगे। बड़ी जानकारी, जहां पर स्कूल शिक्षा के लिए वर्ल्ड बैंक ने लोन देने की मंजूरी दे दी है। 2460 करोड़ रुपए की राशि वर्ल्ड बैंक की ओर से दी जाएगी। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से इस राशि की मांग की गई थी, जिसको पूरा करते हुए इस लोन को स्वीकार किया गया है। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें नया भारत उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। महाजनसंपर्क अभियान के तहत ये उत्सव मनाया जाएगा। एनआईटी में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सांसद सुनील सोनी के नेतृत्व में कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसके तहत आपको बता दें कि केंद्र सरकार की योजनाओं का इसमें प्रदर्शन किया जाएगा। युवा संवाद के जरिए शहर के युवाओं से बातचीत भी की जाएगी। तो बड़ी और अहम जानकारी आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर एनआईटी में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सांसद सुनील सोनी कार्यक्रम का नेतृत्व करेंगे, जिसमें केंद्र सरकार की जो परियोजनाएं हैं उसका जिक्र किया जाएगा। नया भारत उत्सव नाम से कार्यक्रम है, जिसका आयोजन किया जा रहा है। बता दें कि बीजेपी के 9 साल पूरे होने पर पूरे देश में महाजनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है और इसी के तहत प्रदेश में भी ये कार्यक्रम किया जा रहा है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। बता दें कि 29 जून से कांग्रेस का बूथ चलो अभियान की शुरुआत होगी। इसकी शुरुआत दुर्ग संभाग की 20 सीटों पर कांग्रेस का फोकस रहेगा, जिसके साथ ही साथ आपको बता दें कि बूथ कार्यकर्ताओं को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। बड़ी जानकारी, जहां पर बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैयार भी किया जाएगा। विधानसभा चुनाव में माइक्रो बूथ मैनेजमेंट की तैयारी की जा रही है। बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को तैयार किया जा रहा है और साथ ही साथ आपको बता दें कि कांग्रेस की ओर से 29 जून से कांग्रेस का बूथ चलो अभियान की शुरुआत हो रही है, जिसके तहत दुर्ग संभाग की 20 सीटों पर कांग्रेस का फोकस रहेगा और बूथ स्तर पर कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया जाएगा। बूथ मैनेजमेंट से जुड़ी हुई सारी चीजें, सारी जानकारियां उन्हें दी जाएंगी।
वहीं पूर्व मंत्री राजेश मूनत की ओर से दायर की गई जनहित याचिका हाईकोर्ट से खारिज कर दी गई है, जहां पर आपको बता दें कि याचिका को दायर किया गया था जिसके बाद याचिका खारिज हुई है, जिसके बाद उसका बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। दरअसल उनकी ओर से रायपुर के यूथ हब, ग्रीन कॉरिडोर और वेंडिंग जोन पर रोक लगाने की याचिका दायर की गई थी। पूर्व मंत्री मूनत ने यूथ हब, ग्रीन कॉरिडोर डेवलपमेंट प्लान 2011 को रिवाइज और 2011 के विरुद्ध किया गया था, जिस पर याचिका को खारिज कर दिया गया है, जिसके बाद राजेश मूनत ने कहा कि नगर निगम और स्मार्ट सिटी में गलत तथ्य प्रस्तुत किए गए हैं और कोर्ट को गुमराह किया गया है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जहां तक लड़ाई लड़नी होगी वहां तक जरूर लड़ूंगा। रायपुर स्मार्ट सिटी और नगर निगम ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय को जो तथ्य प्रस्तुत किए, उन तथ्यों के आधार पर उन्होंने जो फैसला दिया है, बंधुवर जिस दिन से चौपाटी की लड़ाई का उद्देश्य यह था कि एजुकेशन हब के अंदर चौपाटी, यहां पर न्यूसेंस वैल्यू, यहां पर न्यूसेंस करने के लिए लोग खड़े होंगे, शैक्षणिक परिसर के अंदर जो चीजें थी और शैक्षणिक परिसर में जिन जिन चीजों की आवश्यकता थी उसकी पूर्ति ना कर करके उच्च न्यायालय में गलत जानकारी एकत्र करके उन्होंने सबमिट की। खबर बीजापुर के भैरमगढ़ ब्लॉक से है, जहां पर बारिश से पहले स्वास्थ्य विभाग ने सभी व्यवस्थाओं को लेकर तैयारी कर ली है। बता दें कि भैरमगढ़ ब्लॉक के पिनकुंडा कनेर पारा में जापानी बुखार से दस्तक दी थी, जिसके बाद एक सप्ताह पहले रुदाना नामक युवती को बुखार आने की शिकायत हुई थी, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग के मलेरिया सुपरवाइजर ने युवती और अन्य तीन बच्चों के खून की जांच की और सैंपल लेकर मेडिकल कॉलेज जगदलपुर भेजा गया था, जहां से जापानी बुखार होने की पुष्टि हुई। बता दें कि इलाज के बाद सभी स्वस्थ हो गए। बीजापुर स्वास्थ्य विभाग के लिए एक चुनौती अपना समय रहता है बारिश के दिनों इसलिए भी चुनौती रहता है क्योंकि बस्तर के बीजापुर जो है पहाड़ी और जंगलों से गिरा हुआ, यहाँ थोड़ी सी बारिश में नदी नाले उफान पर रहते हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग को जो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं जो पहुंचाने में काफी दिक्कत होता है, लेकिन इस संबंध में जब हम अधिकारी से बात किया, उन्होंने उनका साफ कहना जो कार्यकर्ता है जो रहते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उन्हें जितनी दवाइयां हैं एक दो महीने की पहले से दिया गया, किस तरह की जो बरसाती जो बीमारियां उनसे उनकी इलाज करने से ये बताया जा रहा है। अब आपको बता दें बीजापुर जिला इन दिनों लगातार स्वास्थ्य सुविधाओं को लेके काफी चर्चा है, यहाँ पर ऑपरेशन और जितने जो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जो सुविधाएं मिलता रहा वो अब उन्हें बीजापुर के हॉस्पिटल में निःशुल्क मिल रहा है। आर्यन टीवी के लिए रामचंद्र मेरुल की रिपोर्ट, बीजापुर। हमारे जिले में जैसे बारिश के दिनों में कुछ हिस्सा नदी नालों के कारण कट जाता है, तो वहाँ पे हम लोग इस साल ये किए थे कि ये सभी जून माह में लगभग हम लोग 50 जगह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किए हैं दोनों क्षेत्र में। इसके साथ ही हमारे जो मितालीन है, डिपो होल्डर है, लगभग 1200 मितालीन है, उनके यहाँ सभी मौसमी बीमारी से रिलेटेड जितनी भी दवाइयाँ हैं वो उन तक पहुँचा दिया गया है। अंदरूनी क्षेत्र के जो उप स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है वहाँ पे भी हम लोगों ने दवाई भंडारण कर दिया है। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि ईवीएम और वीवीपैट की एफएलसी जारी की गई है। बता दें कि प्रथम स्तरीय जांच में की गई साफ सफाई और मशीनों की प्रामाणिकता की भी जांच की गई है। M3 मॉडल की ईवीएम वीवीपैट का उपयोग किया जाएगा, जिसके तहत आपको बता दें कि राजनीतिक दलों के सामने मॉकपोल हो रहा है, तो बड़ी जानकारी जहां पर ईवीएम और वीवीपैट की एफएलसी की गई। बता दें कि प्रथम स्तरीय जांच है जिसमें मशीनों की प्रामाणिकता की जांच हुई और साथ ही साथ आपको बता दें कि इसमें M3 मॉडल का उपयोग किया जाएगा। सभी राजनीतिक दलों के सामने मॉक किया जा रहा है और सभी राजनीतिक दलों की उपस्थिति में ये सारी चीजें की जा रही है।
तो ईवीएम और वीवीपैट की एफएलसी जारी की गई है। प्रथम स्तरीय जांच में साफ सफाई की गई है, मशीनों की प्रामाणिकता की भी जांच की गई है। बता दें कि M3 मॉडल की वीवी ईवीएम का इस्तेमाल किया जाएगा। बेमेतरा जिले के नगर साचा मिथाना साचा की ओर से प्रहारी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। बता दें कि नगर साचा में इस प्रकार का आयोजन हमेशा से ही होते आया है। इस बार भी थाना साचा द्वारा प्रहारी क्रिकेट टूर्नामेंट 2023 का आयोजन किया जा रहा है। थाना प्रभारी विवेक पटने ने बताया कि नगर में इस प्रकार खेलों का आयोजन करने से स्थानीय प्रतिभा को निखारने का अवसर मिलता है। तो प्रहारी क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया और जिसमें कुल 8 टीमों ने हिस्सा लिया। बता दें कि इस तरह के आयोजन हमेशा से ही किए जाते हैं, इसका मुख्य उद्देश्य स्थानीय खिलाड़ियों को कला को निखारने का रहता है। बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क पर जो रोक लगी थी उसे हटा दिया गया है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की है, जिसके बाद इस रोक को हटाया गया है। कृषि उपज मंडी की जमीन पर निर्माण होगा। तो बड़ी जानकारी, जहां पर जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क पर जो रोक लगी थी उसे हटा दिया गया है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है, जिसके बाद कृषि उपज मंडी की जमीन पर निर्माण होगा। स्थापना की मंजूरी मिल गई है। देश का ये जो याचिका खारिज की गई है, रोक जो लगी थी उसे हटा दिया गया है। हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की है, जिसके तहत कृषि उपज मंडी जमीन पर निर्माण किया जाएगा। जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क की स्थापना को मंजूरी मिल गई है। देश का चौथा बड़ा पार्क होगा जेम्स एंड ज्वेलरी। बड़ी खबर का रुख करते हैं रायपुर से, जहां पर आपको बता दें कि डॉक्टर्स और स्टाफ को ट्रेनिंग दी गई है। डे केयर कीमोथेरेपी का प्रशिक्षण किया गया है, जहां पर कैंसर केयर का विमोचन हुआ है, जिसके तहत प्रदेश के 17 अस्पतालों में कीमोथेरेपी की सुविधा दी गई है। तो बड़ी जानकारी, केयर का विमोचन किया गया है। प्रदेश के 17 अस्पतालों में कीमोथेरेपी की सुविधा दी गई है। डॉक्टर और स्टाफ को ट्रेनिंग भी दी गई है। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आपको बता दें कि फिल्म एक्टर के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है। नियुक्ति संघ के प्रदेश अध्यक्ष से 50,000 की ठगी की गई है। ठगों ने सोनू सूद बनकर 50,000 रुपए निकाल लिए। माधुरी मुर्गे ने ट्वीट कर सोनू सूद से मदद मांगी थी, जिसके बाद ट्वीट के बाद ठगों का कॉल आया और जिसके तहत ये पूरा मामला सामने आया है। अब इस पूरे मामले की जांच में शुरू कर दी गई है। तो रायपुर से बड़ी जानकारी, जहां पर अभिनेता सोनू सूद के नाम पर 50,000 रुपए की ठगी का मामला सामने आया है। बता दें कि ट्वीट कर सोनू सूद से मदद मांगी गई थी और जिसके बाद ठगों का फोन आया और इस ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले में जुट गई है और जांच पड़ताल की जा रही है।
ट्वीट कर सोनू सूद से मदद मांगी गई थी, जिसके बाद आपको बता दें कि मदद के नाम पर ठगी का पूरा मामला सामने आया है। फिल्म एक्टर सोनू सूद के नाम पर नियुक्ति संघ के प्रदेश अध्यक्ष से 50,000 रुपए की ठगी की गई है। बता दें कि ट्वीट किया और ट्वीट में सोनू सूद से मदद मांगी गई और उसके बाद ठगों ने फोन करके ठगी की वारदात को अंजाम दिया। हालांकि अब इस पूरे मामले की सूचना पुलिस के पास पहुंच चुकी है और पुलिस इस पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। माधुरी मुर्गे ने ट्वीट कर मदद मांगी थी फिल्म अभिनेता सोनू सूद से और जिसके बाद 50,000 रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया गया है। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही, बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।